नाउ वी आर टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स इंटू वाई टू प्लस टू एक्स वाई वन प्लस टू इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ अब ये हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स है, नाइदर दिस इज कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर इट इज लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ना तो ये कॉचीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और ना ही ये लीजेंड्रे है। तो अब जैसा कि हमने किया था कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर है या नहीं है, सबसे पहले इसको चेक करेंगे ये एग्जैक्ट है या नहीं है। अगर तो ये एग्जैक्ट होगी तो उसको फिर सॉल्व करेंगे। नाउ इसका ऑर्डर ग्रेटर देन वन है तो अब इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ, पी नॉट वाई टू प्लस पी वन वाई वन प्लस पी टू वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। नाउ दिस इज पी नॉट पी वन पी टू एंड दिस इज क्यू। तो एग्जैक्ट कब होगी इसको, इसके लिए क्या करेंगे, पी नॉट पी वन पी टू को ऑपरेट करेंगे माइनस जी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल पी नॉट एज इट इज, ठीक है, जैसा कि आर्टिकल में भी किया था, माइनस पी नॉट डैश पी वन माइनस पी नॉट डैश, फिर आ जाएगा इसको ऑपरेट करेंगे माइनस जी के साथ, माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश, ऐड करेंगे पी टू माइनस पी वन डैश प्लस पी नॉट डबल डैश। तो अगर तो ये जीरो आ गया तो फिर तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। अब पी नॉट की वैल्यू एक्स है, नाउ दिस इज एक्स टू एक्स, पी टू की वैल्यू हमारे पास क्या है टू। नाउ माइनस जी के साथ ऑपरेट करेंगे फर्स्ट पी नॉट एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव भी करना है और नेगेटिव भी लगाना है, मीन्स माइनस डी के साथ ऑपरेट किया तो यहां पे आ गया माइनस वन, एड किया टू एक्स माइनस वन। अब इसको फिर से माइनस डी के साथ ऑपरेट किया, मीन्स डेरिवेटिव भी करना है माइनस से मल्टीप्लाई भी करना है। डेरिवेटिव किया तो टू आ गया, टू को माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया नेगेटिव ऑफ टू। अब टू माइनस टू दिस इज जीरो, अब ये जीरो आ गया ना, इट मीन्स दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद फर्स्ट इंटीग्रल क्या आएगा, फर्स्ट इंटीग्रल एक्स इंटू वाई वन, जैसा कि हमें आर्टिकल में भी किया था कि नेक्स्ट लोअर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, एक्स इंटू वाई वन प्लस टू एक्स माइनस वन इंटू वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू प्लस सी वन। तो ये हमारे पास आ गई एक्स वाई वन प्लस टू एक्स माइनस वन वाई इज इक्वल टू सी वन। अब या तो आप इसको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई के साथ कंपेयर करके जो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर के फार्मूले आप लगा सकते हो, अदरवाइज इसको वैसे ही हम कर सकते हैं यूजिंग लीनियर इक्वेशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो वाई वन एक्स के साथ डिवाइड करेंगे टू एक्स माइनस वन ओवर एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन ओवर एक्स। तो अब इसको कंपेयर करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ। इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका आ गया ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ टू माइनस वन ओवर एक्स डी एक्स। सो ई टू द पावर टू एक्स माइनस लॉग एक्स विच कैन बी रिटन एज ई टू द पावर टू एक्स इंटू ई टू द पावर माइनस लॉग एक्स विच कैन बी रिटन एज ई टू द पावर टू एक्स इंटू ई टू द पावर लॉग ऑफ एक्स टू द पावर माइनस वन। तो ये हमारे पास आ गया एक्स टू द पावर माइनस वन इंटू ई टू द पावर टू एक्स, ये हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका सोल्यूशन क्या आएगा, वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू, क्यू हमारे पास क्या था c1 वन ओवर एक्स, इसको मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ e टू दी पावर टू एक्स ओवर एक्स के साथ प्लस
सी टू। सो ये हमारे पास आ गया वाई ओवर एक्स इन टू ई टू द पावर टू एक्स। सी वन को कॉमन लेंगे, वन ओवर एक्स स्क्वायर ई टू द पावर टू एक्स डी एक्स प्लस सी टू। सो अगर तो ये इंटीग्रेशन हो सकती है तो आप कर लो, ठीक है, अदरवाइज दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको जितना आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द दिस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ नेक्स्ट वी आर टू सॉल्व साइन एक्स इंटू वाई टू माइनस कॉस एक्स इंटू वाई वन प्लस टू वाई साइन एक्स मीन्स टू साइन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोएफिशिएंट्स, नाइदर इट इज कॉची लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नॉर इट इज लीजेंड्रे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ सबसे पहले ये चेक करेंगे इज दिस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर। नाउ दिस इज पी नॉट पी वन पी टू, तो उसके लिए इसको यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स टू साइन एक्स, अब माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे, फर्स्ट साइन एक्स एज इट इज, अब माइनस डी के साथ ऑपरेट किया तो ये हमारे पास आ गया माइनस कॉस एक्स, दिस एड किया तो माइनस टू कॉस एक्स। अब फिर से इसका डेरिवेटिव भी करना है, नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई भी करना है, डेरिवेटिव किया तो क्या आ जाएगा टू साइन एक्स, और नेगेटिव के साथ मल्टीप्लाई किया तो माइनस टू साइन एक्स, एड किया तो ये हमारे पास जीरो आ गया। तो अगर ये जीरो आ गया इट मीन दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब इससे नेक्स्ट लोअर ऑर्डर का इंटीग्रल कैसे लिखना है, तो हमारे पास आ जाएगा साइन एक्स, यहां से स्टार्ट करना है आपने, यहां से साइन एक्स इंटू वाई वन माइनस टू कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो का इंटीग्रल। ये जो क्यू है, ये वाला जीरो नहीं, ये वाला क्यू, डी एक्स प्लस सी वन मीन्स साइन एक्स इंटू वाई वन माइनस टू कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन। अब ये फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में किया था लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर वन, तो उसके लिए पहले इसको साइन एक्स से डिवाइड करेंगे, वाई वन माइनस टू कॉट एक्स वाई इज इक्वल टू सी वन को सी कैंट एक्स। नाउ कंपेयर दिस विद वाई वन प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस टू कॉट एक्स डी एक्स। अब कॉट एक्स की इंटीग्रेशन लॉग ऑफ साइन एक्स, सो दिस इज ई टू द पावर लॉग ऑफ साइन एक्स टू द पावर माइनस टू मीन्स साइन एक्स टू द पावर माइनस टू, ये हमारे पास क्या आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर मीन्स वन ओवर साइन स्क्वायर एक्स विच इज कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। तो अब इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा वाई इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू सी वन इंटू कोसेकेंट एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस, तो ये हमारे पास आ गया सी वन इंटीग्रल ऑफ कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स प्लस सी टू। अब यहां पे हमने क्या करना है कोसेकेंट क्यूब की आपने क्या करनी है इंटीग्रेशन करनी है। अब कोसेकेंट क्यूब की इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, कोसेकेंट क्यूब एक्स डी एक्स इसको लिखेंगे कोसेकेंट एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। नाउ कोसेकेंट एक्स को लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ वन प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स मीन्स ये हमारे पास आ गया। अब कॉट एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे दिस इज माइनस डी टी, सो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव ऑफ स्क्वायर रूट वन प्लस टी स्क्वायर डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी टी ओवर टू टी
ओवर टू स्क्वायर रूट वन प्लस टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ओवर टू इंटू लॉग ऑफ टी प्लस स्क्वायर रूट वन प्लस टी स्क्वायर। अब टी हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था, टी की वैल्यू हमने टी सब्स्टिट्यूट किया था कॉर्टेक्स को, तो माइनस सॉरी कॉर्टेक्स ओवर टू इंटू वन प्लस कॉट स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ गया कोसिकेंट एक्स प्लस वन बाय टू लॉग ऑफ कॉर्टेक्स प्लस कोसिकेंट एक्स प्लस सी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गई किसकी, कोसिकेंट क्यूब की। अब कोसिकेंट क्यूब की इंटीग्रेशन यहां पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो y की वैल्यू हमारे पास y इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, हमारे पास क्या आ गया c1, कोसिकेंट क्यूब की इंटीग्रेशन दैट इज नेगेटिव ऑफ कॉटेक्स ओवर कॉटेक्स इंटू कोसिकेंट एक्स ओवर टू प्लस वन बाय टू लॉग ऑफ कॉटेक्स प्लस कोसिकेंट एक्स, ये वाला सी आप यहां पे रहने दो, प्लस सी टू। नाउ दिस इज दी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ दी डिफरेंशियल इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व साइन स्क्वायर वाई टू इज इक्वल टू टू वाई, सो वाई टू की वैल्यू यहां से हमारे पास आ गई टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई, मीन्स वाई टू माइनस टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो, मीन्स वन इंटू वाई टू प्लस जीरो इंटू वाई वन माइनस टू इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। तो इसको पहले चेक करेंगे क्या ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं है, वन जीरो माइनस टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे वन एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव भी किया और नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी किया, जीरो जीरो यहां पे जीरो आ गया, दिस इज माइनस टू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब यहां पे हमारे पास क्या आ रहा है, नॉन जीरो, अगर तो ये जीरो आ जाता फिर तो ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती, उसके बाद उसको सॉल्व कर लेते। अब क्योंकि ये एग्जैक्ट नहीं है तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमें ट्राई करना पड़ेगा, वो ट्रायल मेथड है, ट्रायल से हमें हम इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर चेक करेंगे, क्योंकि अदरवाइज इसका कोई रूल नहीं है इसके इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। अब अगर यहां पे जैसे यहां पे कोसिकेंट स्क्वायर है तो कोसिकेंट स्क्वायर किसका डेरिवेटिव है, कॉट, तो आप इसको कॉट से ट्राई कर सकते हो, ये नहीं है कि इसका इंटीग्रल कॉट होगा ही होगा, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इसका कॉट एक्स हो सकता है, हम ट्राई कर सकते हैं। तो अगर इस इक्वेशन को कॉट एक्स से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा कॉट एक्स इंटू वाई टू प्लस जीरो वाई वन माइनस टू कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। अब फिर से चेक करेंगे, यहां पे आ गया कॉट एक्स जीरो माइनस टू कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, अब माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे फर्स्ट एज इट इज, अब इसका डेरिवेटिव क्या आ गया, कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट स्क्वायर माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, उसको नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे आ गया हमारे पास कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, ऐड किया तो यहां पे आ गया कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब इसका डेरिवेटिव भी करना है, डेरिवेटिव इसका क्या आ जाएगा, टू कोसिकेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ कोसिकेंट माइनस कोसिकेंट एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो यहां पे प्लस आ गया टू कॉट एक्स इंटू कोसिकेंट स्क्वायर एक्स, अब ऐड किया तो हमारे पास आ गया जीरो। तो इट मीन दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका फर्स्ट इंटीग्रल कैसे लिखना है, हमने कॉट एक्स इंटू वाई वन प्लस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स
इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू प्लस सी वन, तो विच इज इक्वल टू सी वन। तो अब अगर इसको साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ गया कॉट एक्स कॉस एक्स वाई वन प्लस अगर इसको सॉरी साइन से मल्टीप्लाई कर दें हम इसे क्या करते हैं अब इसको कॉट एक्स से डिवाइड ही कर देते हैं। तो कॉट एक्स से डिवाइड किया तो ये हमारे पास आ गया वाई वन प्लस कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कॉट एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू सी वन। अब कंपेयर करेंगे वाई वन प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आ जाएगा ई टू द पावर इंटीग्रल ऑफ पी कोसेकेंट स्क्वायर एक्स ओवर कॉट एक्स डीएक्स। अब कॉट एक्स का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है अगर इसको टी सब्स्टिट्यूट करें तो ये हमारे पास आ जाएगा माइनस वन ओवर टी डी टी। सो दिस इज ई टू द पावर माइनस लॉग टी मीन्स टी टू द पावर माइनस वन। अब टी हमने किसको सब्स्टिट्यूट किया था कॉट एक्स को, कॉट एक्स का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा टेन एक्स। तो अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास क्या आ गया टेन एक्स। सो इसका सोल्यूशन क्या आ जाएगा गिवन इस इक्वेशन का वाई इंटू टेन एक्स इज इक्वल टू सी वन, सॉरी यहां पे भी हमने कॉट एक्स से डिवाइड करना है तो कॉट एक्स से डिवाइड करिए तो ये हमारे पास आ गया सी वन टेन एक्स। तो सी वन टेन एक्स इसको मल्टीप्लाई करना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के साथ प्लस सी टू। तो वाई टेन एक्स सी वन इंटू इंटीग्रल ऑफ टेन स्क्वेयर, टेन स्क्वेयर की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं सीकेंट स्क्वेयर एक्स माइनस वन। नाउ वाई टेन एक्स सी वन सीकेंट स्क्वेयर की इंटीग्रेशन टेन एक्स माइनस वन की इंटीग्रेशन एक्स प्लस सी टू। नाउ दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करना चाहते हो देन आप कर सकते हो। नो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सॉल्व एक्स क्यू माइनस फोर एक्स इंटू डी क्यू प्लस नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व डी स्क्वेयर प्लस एटीन एक्स डी प्लस सिक्स इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो। तो पहले ये चेक करेंगे कि क्या ये एग्जैक्ट है। तो एक्स क्यू माइनस फोर एक्स पी नॉट की वैल्यू नाइन एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व 18x 6। अब इसको ऑपरेट करेंगे माइनस डी के साथ फर्स्ट एज इट इज। अब इसका डेरिवेटिव भी करना है नेगेटिव से मल्टीप्लाई भी करना है तो ये हमारे पास आ गया 3x स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4 ऐड किया तो 6x स्क्वायर प्लस माइनस 8 माइनस डी के साथ ऑपरेट किया तो माइनस 12x ऐड किया 6x ऑपरेट किया माइनस डी के साथ माइनस सिक्स जीरो। अब क्योंकि ये जीरो आ गया इट मीन दिस इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फर्स्ट इंटीग्रल कैसे लिखना है एक्स क्यू माइनस फोर एक्स इंटू डी स्क्वेयर प्लस सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट इंटू डी प्लस सिक्स एक्स वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू विच इज जीरो प्लस सी वन। तो फिर से ये सेकंड ऑर्डर की, अब इसको फिर से चेक करेंगे क्या ये एग्जैक्ट है। नाउ एक्स क्यू माइनस फोर एक्स सिक्स एक्स स्क्वेयर माइनस एट सिक्स एक्स माइनस डी के साथ ऑपरेट करेंगे फर्स्ट एज इट इज माइनस डी के साथ ऑपरेट किया थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर ऐड किया सॉरी यहां पे आ गया एक नेगेटिव प्लस तो ये हमारे पास आ गया थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर यहां पे आ जाएगा माइनस सिक्स एक्स जीरो इट मीन्स ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो अब सेकेंड इंटीग्रल लिखेंगे तो यहां से हमारे पास आ जाएगा एक्स क्यू माइनस फोर एक्स इंटू डी प्लस थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस फोर इंटू वाई वाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू वन तो सी वन एक्स प्लस सी टू। अब इसको
कंपेयर कर सकते हो आप डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के साथ, या एक बार आप अगर चेक कर सकते हो कि एग्जैक्ट है या नहीं है, तो एक्स क्यू माइनस फोर एक्स थ्री एक्स स्क्वायर माइनस फोर, फिर से माइनस डी के साथ ऑपरेट किया, फर्स्ट एज इट इज इसको ऑपरेट किया माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर, तो ये तो आ गया हमारे पास जीरो। इट मीन्स ये जो फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आई ये भी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसका सोल्यूशन कैसे लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस फोर एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू इसका इंटीग्रल सी वन एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी टू एक्स प्लस सी थ्री। सो ये आपका सोल्यूशन है, इसको डिवाइड भी कर सकते हो, वाई इज इक्वल टू वन ओवर एक्स क्यू माइनस फोर एक्स सी वन इंटू एक्स स्क्वायर ओवर टू प्लस सी टू इंटू एक्स प्लस सी थ्री। दिस इज द सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। नाउ इसके रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम डिस्कस करेंगे अगर नॉन जीरो ना आए, नॉन जीरो आ जाए, जीरो ना आए, जैसे एक क्वेश्चन हमने ऑलरेडी किया भी है, लेकिन अगर यहां पे नॉन जीरो आ जाए तो फिर उसको कैसे सॉल्व करना है। ओके okay.